नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। तट, तट यानी किनारा। स्वभाव यानी प्रकृति। सहसा, सहसा यानी एकाएक। खिसियाकर यानी लज्जित होकर। निर्दोष यानी बेकसूर, दोष रहित। राह यानी रास्ता। प्रसन्न यानी खुश। दलदल यानी गीली जमीन, जिसमें खड़े होने पर पांव धसता चला जाए। उसके बाद बच्चों हम मुहावरे देखेंगे। मुहावरे में अनसुनी करना यानी ध्यान ना देना। आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना। वचन देना यानी वादा करना। मन डोलना यानी विचार बदलना। जीवन दान देना यानी नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। थिरकने लगना यानी खुशी से नाचना या खुशी से नाचने लगना। आइए बच्चों, अब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। इसमें पहला वाक्य है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। यह वाक्य है, इसका जवाब है, यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा, क्योंकि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाना चाहती थी। अब दूसरे वाक्य पे आते हैं। क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य किसने कहा, तो जवाब है, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा, क्योंकि वह नन्ही के उपकार को भूल गया और उसने नन्ही को डंक मारा। अब तीसरे वाक्य पे आते हैं। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य किसने किससे कहा, तो जवाब है, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा, क्योंकि वह बिच्छू को उसकी बुरी आदत के बारे में सतर्क करना चाहती थी, सावधान करना चाहती थी। अब वाक्य चौथे पे आते हैं। भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य किसने किससे कहा, तो जवाब है, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा, क्योंकि बिच्छू ने नन्ही को धोखा दिया था और डंक मार दिया था, उसे भूलकर नन्ही ने उसकी मदद की थी। अब पांचवा वाक्य है। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य किसने किससे कहा, तो जवाब है, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा, क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर या उसे धोखा देने पर बिच्छू को बहुत ही पछतावा हुआ था। प्रश्न दो। यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए। बच्चों, इसका प्रश्न तो आपको ही देना पड़ेगा। आप सोच कर बताइए कि आप नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा व्यवहार करते। मैं तो नन्ही की जगह होती तो बिच्छू के साथ वैसा ही व्यवहार करती जैसा नन्ही ने बिच्छू के साथ किया था। क्यों? क्योंकि डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव है, वह तो डंक मारता ही है। परंतु नन्ही तो बहुत ही अच्छी थी, समझदार थी, उदार थी, वह लोगों की भलाई करती थी। यदि अगर हमें किसी को सुधारना हो तो हम उसे सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो हमें नन्ही की तरह ही उसके साथ भलाई पूर्वक व्यवहार करना चाहिए,
जिसके कारण उन्हें पछतावा हो और वह अपनी बुरी आदत छोड़कर सही रास्ते पर आ जाए। बच्चों, अब आप क्या सोचते हो वह आप लिखना। बाल मित्रों, अब हम स्वाध्याय के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, नन्ही कौन थी? जवाब, नन्ही एक बतख थी। प्रश्न दो, बिच्छू कहाँ फंस गया था? जवाब, बिच्छू दलदल में फंस गया था। प्रश्न तीन, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? जवाब, बिच्छू को इसलिए पछतावा हुआ क्योंकि नन्ही ने दो बार उसका जीवन बचाया था, फिर भी उसने नन्ही को डंक मारा था। प्रश्न चार, नन्ही ने क्या निश्चय किया? जवाब, नन्ही ने निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े हुए लोगों को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न पाँच, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने बिच्छू को इसलिए बचाया क्योंकि बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन, मुझे बचा लो। इस पर नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए उसने उसे दलदल में से बाहर निकालकर बचा लिया। प्रश्न छः, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? जवाब, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाती रहो, वह तो बार बार ही डंक मारता रहेगा। प्रश्न सात, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? जवाब, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में बिच्छू से कहा कि भलाई करना तो मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम तो दूसरों को बचाना है, मुसीबत में पड़ों को मैं हमेशा बचाती रहूँगी। प्रश्न दो, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। अब बच्चों, ये घटनाएं दी गई हैं, अब हमको इसका क्रम बनाना है, तो पहले हम पढ़ेंगे। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। फिर है, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। फिर है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। फिर है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। उसके बाद बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। बच्चों, ये घटनाएं दी है ना, अब हम इसको सही क्रम में जमाएंगे। तो सबसे पहले पर कौन सा आएगा? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक एक क्रम देखेंगे, उसके बाद हम उसका लिखेंगे कि कौन से क्रम पे कौन से नंबर का आया है। तो जैसे सबसे पहले नंबर पे क्या है, तो नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। फिर चौथे नंबर पर क्या आएगा बच्चों, बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। और पांचवे स्थान पर क्या आएगा, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो आया ना बच्चों आपको समझ में किसका कौन सा क्रम है? बच्चों, यह है प्रश्न दो के घटनाओं का सही क्रम। देखा ना बच्चों आपने, पहले नंबर पर यहाँ पर नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा,
दूसरे नंबर पर नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आई। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। फिर चौथे में बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और पांचवें स्थान पर है, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो यहाँ पर क्रम क्या बना घटनाओं का, 2, 5, 3, 1 और 4। आया ना बच्चों समझ में। अब है प्रश्न 3। इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे उदाहरण, तो बिच्छू, तो बिच्छू है वह संज्ञा शब्द है। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया है, बिच्छू दलदल पे फंस गया था। अब इसके बाद दूसरा संज्ञा शब्द कौन सा है, तो नन्ही, तो नन्ही एक बतख का नाम है। फिर है तीसरा कौन सा शब्द है, तो बोल देंगे स्थान, तो आगरा देखने लायक स्थान है। फिर है मुसीबत, तो मुसीबत में पड़े हुए को बचाना हमारा कर्तव्य है। फिर है पानी, बिच्छू पानी की धारा में गिर गया। फिर पांचवी है आदत, तो आदत में क्या करेंगे, सुबह उठने की आदत बहुत अच्छी होती है। प्रश्न 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों हमने शब्दार्थ के साथ मुहावरे भी देखे थे, तो अब हम उन मुहावरों को देखकर आपको जो अच्छे लगे उन्हें रेखांकित कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों यह है मुहावरे, जैसे अनसुनी करना, फिर है आदत का गुलाम होना, वचन देना, मन डोलना, जीवन दान देना, शर्म से पानी पानी होना और थिरकने लगना। बच्चों आपको जिस मुहावरे को रेखांकित करना है उस मुहावरे को रेखांकित करके उसका आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोज कर उनका वाक्य में प्रयोग लिखिए। उदाहरण है नदी, तो नदी का समानार्थी शब्द है सरिता, तो अब इसका वाक्य क्या बनाएंगे, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। अब हम दूसरे शब्द देखेंगे, स्थान, तो स्थान का समानार्थी शब्द होगा जगह, तो अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, अच्छे इंसान सभी जगह मिलते हैं। अब दूसरा है स्वभाव, तो स्वभाव का समानार्थी शब्द है प्रकृति, बिच्छू की प्रकृति डंक मारने की थी। अब तीसरा है मुसीबत, तो मुसीबत का समानार्थी शब्द है संकट, तो हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, संकट के समय हमें धीरज से काम लेना चाहिए। अब चौथा है प्रसन्न, तो प्रसन्न का समानार्थी शब्द है खुश, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद है थिरकना, थिरकने का समानार्थी शब्द है नाचना, तब उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, मोर बादल को देखकर नाचने लगता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।